दस लोग आएगा कल, ये तो पूछा के दस की तो अनुमति सरकार की तरफ से उनको आवास भी मिला है, पट्टा भी मिला है, पानी की व्यवस्था भी है। बाकी कोई वो कोई मणिलाल को कलाल नाम से है, वो कहता है हमारी जमीन खाते पे, ये जमीन हमारे खातेदारी है, तो हम ये चाहते हैं कि 100 साल पुराना हमारे काल भी जो कि यहाँ डेड बॉडी भी है, समाधि भी है, और खाता पाता करने का तो ये तो पटवारियों का काम, चाहे तो नंबर इधर डाल दें चाहे तो उधर डाल दें, ये कमी है तो पंचायत की हम लोगों को थे ही नहीं। और हम मुर्दे पे नहीं कहते हैं कि यह मुर्दा नहीं है, आप खुद के भी देख सकते हैं। और इसलिए फिर मैडम ने कहा बिल्कुल मैं आदेश करती हूँ, और गहलोत सरकार ने तो 2 बीघा जमीन का अलॉटमेंट का पूरा आदेश है। डेरे घूमते थे, एक दिन वहाँ रुके, 2 दिन वहाँ रुके, और उनको गांव के ऑब्जेक्शन उठाए तो चलो काल बिले यहाँ से भग जाओ, आगे से आगे हम चलती रही हमारी लाइफ। और आप आदेश कर लोगा तो कम से कम मुर्दा घर तो हमारे समाज का रहेगा। ये 30 परिवार थे, 30 परिवार, और वो कहता मेरे खातादारी फलादारी, तो खातादारी तो अभी 100 साल के बीच लोकेशन निकाल दो, 100 साल पुरानी जमीन है, 100 साल के बीच में ये क्या, तो गिनती होगी हम लोगों की थी, हम जोड़ तो बोल ही नहीं रहे मुर्दा है कि नहीं, बोले आप खोद के निकाल भी सकते हो क्या, देख सकते हो। सरकार ने उनको पट्टा भी दिया, पानी की भी व्यवस्था करवाई, लाइट भी दिया, गिनती कर पकड़ा माने 9-10 बजे के बीच में ताला लगा दिया, और इस ट्रेन को जाति सूचित की बात बताई है, और फिर तुम झूठे मुंह में फंसा दूंगा आगे गई तो किसी का पावर जाएगा तो सब पावर में, कोई क्या नाम है उसका, ये उसकी समाधि भी मैडम, ये तो है समाधि, जमीन नहीं अभी हमारे तो क्या सरकार देती हुई लेते हैं, तो जो सरकार की अनुमति से हम लोग गहलोत सरकार ने हमारे लिए 2 बीघा शमशान घाट के लिए आदेश भी जारी किया, और ये शमशान घाट है ताला लगा बिल्कुल हुआ, हर पंचायत में हुआ, बाकी इसी पंचायत में होगा कुछ नहीं। और मैंने गांव शहर संघ अभियान में भी मैंने समाज की समाधि है, और उसमें और भूमि माफियों ने आके 8 फरवरी को रात को 9-10 बजे वहाँ ताल शमशान घाट की बाउंड्री पे ताला लगा दिया, और एक मोंडी देवी काल भी लिया, उसको जाति सूचित भी बात बताई, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी कानून कार्रवाई करेगा तो तेरे बच्चों को चोरी छप्पड़ टीम किसी अल्जाम में मैं फंसा दूंगा। मैं आज जिला कलेक्टर मोदी से मिला, हमारे समाज की जिंदगी को तो रखा ना रखे धरती माते, बाकी मुर्दों का तो एक शमशान घाट की एक पूरा होना चाहिए। सरकार की तरफ से बाउंड्री भी बना, गेट भी लगा, पानी की व्यवस्था भी है, जो भी हमारी कालबिलिया बस्ती है सरकार ने उनकी सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उस मौके पर भी दिया था। आप कितने समय से उस जमीन पे के आसपास में रह रहे हैं? 100 साल से भी ज़्यादा, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, पट्टे भी हैं, लाइट भी है, पानी भी है, और एक घर से 30 परिवार निवास कर रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे चिल्ले पिल्लर करो तो 70 परिवार है वहाँ, और जिसमें 8 बजे के मुख्य पर है वहाँ बताओ। नाम बताओ भाई, मोदी भाई, एक सेकंड, कहीं भी हो जगह पर 8 तारीख की 10 बजे ताला लगाया, मैं है मनिया आई के एक दिन एक मोदी भाई 13 पुरवा को मारपीट करूँगा, इसको जमीन पहुँच दूंगा, धमकी दे के मैंने जेल में डाल दूंगा, कई सोरी सुनेरी करके एक तो पास में बोल दी, लेकिन क्या पास आया एड आता है कि ताला दे के पास मार पति को कमला जी थाना में। आप क्या मांग करते हो?
रोड थाने में कोई कार्रवाई के लिए कुछ दिया क्या? कुछ नहीं, इंतकाम आ रहा है सर, इंतकाम आ रहा है, इंतकाम आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में गए थे नहीं किया सर, ये अपन कोई नहीं किया, कोई नाम नहीं लिया, इंतकाम मार रही है। चलो चलो चलो, यूं करें। थाने में कुछ नहीं दिया, थाने पे तो कुछ लोगों को बुलाया, मैं तो पुलिस का सामान जाति सूचित की बात बताइए और फिर तुम झूठे मुख में फंसा दूंगा। आगे गई तो किसी का पावर जाएगा तो सब पावर में। कोई क्या नाम है उसका? मणिहार ने पढ़ी ये उसकी समाधि भी मैं ये तो है समाधि जमीन इनके नाम जमीन नहीं। अभी हमारे तो क्या सरकार देती हुई लेते हैं, तो जो सरकार की अनुमति से तो हम लोग भी मिलते हैं। गहलोत सरकार ने हमारे लिए गोभी का शमशान घाट के लिए आदेश भी जारी किया और ये शमशान घाट है अलग अलग बिल्कुल हुआ, हर पंचायत में हुआ, बाकी इसी पंचायत में होगा कुछ नहीं। और मैंने गाँव अभियान में भी मैंने क्या करते गधे कुत्ते के साथ डेरे घूमते थे, एक दिन वहां रुके, दो दिन वहां रुके, और उनको गांव के ऑब्जेक्शन उठाए तो चलो काल भी यहाँ से भर जाओ, आगे से आगे हम चलती रही हमारी लाइफ। और आप आदेश कर लोगा तो कम से कम मुर्दा घर तो हमारे समाज का रह जाएगा। ये 30 परिवार थे, 30 परिवार है। और वो कहता मेरे खाताधारी फलादारी, तो खाताधारी तो अभी 100 साल के बीच लोकेशन निकाल दो, 100 साल पुरानी जमीन है, 100 साल के बीच में ये क्या तो गिनती होगी। हम लोगों की थी तुम जोर तो बोल ही नहीं रहे, मुर्दा है कि भैया आप खोद के निकाल भी सकते हो क्या? हाँ, देख सकते हो, सरकार ने उनको पट्टा भी दिया, पानी की भी व्यवस्था करवाई, लाइट भी दिया, तो इतनी कृपा करना। ये माने विमान की समाधि है और कुछ भूमि माफियों ने मिले मुर्दे के अलग है और मुर्दे मान लो मुझे अभी जानकारी मिली है कि सहड़ा तहसील के खिजड़ गांव में जो कालबेलिया समाज का जो समाधि स्थल था जहां पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि बनाई जाती थी, उस पर कुछ दिनों पूर्व 5 फरवरी 2023 को जो भूमाफिया हैं उन्होंने कब्जा कर लिया और गेट पर ताले लगा दिए। इस मामले में घुमंतु जो संगठन है कालबेलिया समाज और अन्य जातिगत जातियों का, उन्होंने SDO को वहां पर जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देकर इस बारे में कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन आज भी वहां पर गेट पे ताला लगा उन भूमाफियों का लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका भी एक स्टेटमेंट आया था और इसको नोटिफाई भी किया था कि जो भी कालबेलिया समाज है, घुमंतु समाज है, उनकी जो शमशान की है, उनकी जो समाधि की जो भूमि है उसकी सुरक्षा की जाए और उसको यथावत रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो प्रशासन का और पुलिस का जो रवैया है ये सामने स्पष्ट दिखाता है कि वो इस मामले में गंभीर नहीं है। और दरअसल जो भी गरीब जातियां हैं या मेहनत करने वाली जातियां हैं उनके प्रति जो दृष्टिकोण है हमारे प्रशासन का, पुलिस का, सरकार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी इसमें दोषी है। मैं यही चाहूँगा कि ये जो स्थिति हमारे सामने आई है, और भी कई तरह की ऐसी घटनाएँ हमको सुनने और देखने में आती है, जब भी कोई गरीब समाज का मेहनत के समाज के लोग होते हैं उनके जो अधिकार है उनको जो पारंपरिक अधिकार मिले हैं उसमें भी उनमें कई तरह के उनके हमले किए जा रहे हैं। इसलिए ये राजस्थान सरकार के लिए भी चुनौती है और हमारे इस प्रशासन के लिए भी चेतावनी है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लेकर जो भी दोषी अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेलों में भेजे और ये जो कालबेलिया समाज है, जो घुमंतु समाज है, उनका जो अधिकार है उनको सुरक्षित किया जाए। किसी का पावर जाएगा तो सब पावर में। कोई क्या नाम है उसका? मणिहार ने पढ़ी ये उसकी समाधि भी मैं ये तो है समाधि जमीन इनके नाम जमीन नहीं। अभी हमारे तो क्या सरकार देती हुई